हेलो भाई, मैं सोनू कुमार और अभी मेरे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की बलिनो। और बलिनो की बात करें तो इसमें टोटल चार वेरिएंट आ जाते हैं, सिग्मा बेस वेरिएंट, डेल्टा, जेटा और अल्फा। ये हमारे सामने जो खड़ी है वो डेल्टा वेरिएंट खड़ी है, जो सेकंड बेस वेरिएंट बोलोगे वो खड़ी है। और आगे की लुक देख लो तो ऐसी कुछ लुक जो है वो बहुत ही अच्छी टाइप की, जो प्रीमियम हैचबैक है नेक्सा की तरफ से मारुति में आती है, ये प्रीमियम हैचबैक आ जाती है जो अच्छी खासी प्रीमियमनेस को मेंटेन करते हुए जो है मारुति अभी इसको चला रही है। ये एफ साइड लुक देख लो तो गाड़ी में ऐसी कुछ लुक बन जाती है। और ये सब 4 मीटर के गाड़ियों में ही आती है, तो आपकी इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से थोड़ी सी कम है, 3990 mm की इसकी लेंथ है, तो ऐसी कुछ जो है साइड से लुक बन जाती है। अब पीछे देख लेते तो पीछे भी आपको ऐसा कुछ जो है देखने को मिल जाता है। बाकी ये सेकेंड बेस वेरियंट है तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो फीचर्स है वो कम मिलेगा, जो आपको टॉप वेरियंट में ज्यादा मिलते हैं। और इधर से ऐसी कुछ दिखती है। अब हम बात कर ले तो जो मारुति की इसकी कॉम्पिटिटर्स और भी बहुत सारे जो हैचबैक हैं, टाटा की टियागो हो गई और i20 हो गई, तो i20 में एक प्लस पॉइंट है कि आपको उसमें सनरूफ देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में भी सनरूफ देखने को नहीं मिलती। बाकी बहुत लोग बोलते हैं कि पहले के कंपैरिजन में अभी की जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है, तो वो सब देखेंगे कि क्या आपको बिल्ड क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेटर मिल रही है। वो तो अलग बात है कि सेफ्टी फीचर्स कुछ भर भर के मिल गए हैं आपको पहले से के कंपैरिजन में। पहले उतनी सेफ्टी फीचर जो है मारुति ध्यान नहीं देती थी, बट अभी जो है सेफ्टी फीचर्स पे जो ध्यान डालने लगी है मारुति। तो अब हम आगे की बात कर ले तो फ्रंट लुक्स कुछ ऐसी मिलेगी आपको। इधर आप देख लो तो सेंटर में आपको बड़ी सी जो है मारुति की लोगो मिल जाएगी, जो काफी बड़ी है। बाकी ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है, फ्रंट ग्रिल, और नीचे जो ये जो दो आप एसेसरीज देख रहे हो ये आपको एसेसरीज के तौर पे नहीं लगा के, ये गाड़ी में इनबिल्ट लगी हुई आती है, बट ये जो एसेसरीज है ये क्रोम बैंड आपको एसेसरीज में लगाना पड़ेगा। बाकी हम इधर हेडलैम्प्स की बात कर लेते, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, बट ये LED में नहीं मिलेगी, ना यहाँ पे आपको DRLs देखने को मिलेंगे। टॉप वेरिएंट पे जाओगे तो आपको DRLs भी मिल जाएगी, और जो इसकी फॉग लैंप वगैरह है वो भी आपको इसमें प्रेजेंट नहीं मिलेगा। बाकी टॉप वेरिएंट में आपको LED फॉग लैंप मिल जाते हैं और LED हेडलैम्प्स भी जो है टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर में बल्ब में दिए जाते हैं। बाकी आप नीचे देख लो तो ऐसी कुछ जो है बम्पर की कलर है वो जो सिंगल टोन में आती है। बाकी यहाँ पे आपको जो फाइबर का यूज मिल जाएगा जो ब्लैक कलर में। बाकी फॉग लैंप की हाउसिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो नॉर्मली हैचबैक में 170-180 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, तो इसमें आपको 170 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, जो अच्छी खासी है, वैसे ही गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी कहीं जाने पे। बाकी ये अपोलो के टायर्स मिलते हैं इसमें। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 185/65 R15 के जो है वो टायर सेक्शन मिल जाते हैं ब्लैक रिम के साथ। और ये जो आपको व्हील कैप भी इसमें मारुति के लोगों के साथ आपको गाड़ी के साथ मिलेगी। इस साइड से गाड़ी की लुक कुछ ऐसी है। बाकी आप यहाँ देख लो ORVM भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाते हैं। LED टर्निंग लाइट्स यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। ए पिलर जो है यहाँ पे आपको ब्लैक मिलेगा, बी पिलर भी आपको ब्लैक मिलेगा। बाकी यहाँ क्वार्टर ग्लास देखने को वो भी आपको ऐसी शेप में मिल जाती है, जो क्वार्टर ग्लास जो है वो ज्यादा लुक इसकी बढ़ा देती है। बाकी जो सी पिलर है वो भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाते हैं। अब पीछे की बात कर ले तो ये जैसे कि हमारी डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट में आपको जो है क्या क्या फीचर्स कम मिलेंगे वो मैं बताऊंगा। यहाँ 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। इस साइड आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है, और ये आप नेग्लेक्ट करो, ये आप एसेसरीज से लगा सकते हो कंपनी की तरफ से। बाकी ये भी अभी जो है वो भी एसेसरीज में, ये भी एसेसरीज में। बाकी आपको कैमरा इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा, इसकी अपर वाले वेरिएंट जो जेटा में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है यहाँ पे। बाकी मारुति चलाक है ही, यहाँ पे आपको जो है कैमरा लगाने का स्पेस खाली छोड़ देती है, ब्लैक सी छोड़ दे रही है। बाकी आप इसमें फ्यूचर में कैमरा लगाने का मन हो तो आप कंपनी से भी लगवा सकते हो, बाहर से आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हो। यहाँ भी आपको बड़ा सा लोगो मिल जाता है। इधर बलिनो को ब्रांडिंग मिल जाएगी। और टेल लैंप्स की बात करें तो ऐसी टेल लैंप्स मिलती है नीचे, जो आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है बैकलाइट आपको सिंपल रिफ्लेक्टर बल्ब में मिलेगी, और जो है टर्निंग लाइट्स वो आपको येलो लाइट में जलता हुआ दिख जाएगा। बाकी यहाँ नेक्सा की मिल जाती है, नेक्सा की तरफ से एजेंसी में आती है ये गाड़ी। बाकी ये जो है ये भी आपको एसेसरीज में लगाना पड़ेगा। और डोर हैंडल की बात करें तो वो भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाती है। तो ये तो होगी साइड प्रोफाइल गाड़ी की। बाकी ऊपर में आपको सिंपल एंटीना मिल जाता है,
और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, और जो ये वाइपर है, वाइपर आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलेगा। टॉप वेरिएंट में आपको वाइपर्स भी मिल जाते हैं, डिफॉगर, और इधर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी यहाँ देखने को मिल जाता है जो गाड़ी में लगी हुई आती है। तो ये तो हो गई इसकी एक्सटर्नल बातें, बाकी हम अंदर चल के बात करेंगे कि क्या आपको जो है इस वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। तो चलिए चलिए अंदर। तो सबसे हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ इसमें आपको कोई भी सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पीछे डोर्स में कहीं भी आपको सेंसर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप सिंपल यहाँ कीज इंटर करके लॉक अनलॉक कर सकते हो। बाकी कीज की अंदर बैठ के बात करें, ये गाड़ी की इंटीरियर, इंटीरियर में आपको मेनली 3 टोन का यूज जो देखने को मिल जाता है। यहाँ ग्लोसी में आपको ग्रे टाइप का फिनिश दिया गया है, जो वहां से ये ऐसी इवेंट से लेकर यहाँ तक जो है वो कंटिन्यू, फिर यहाँ से थोड़ी सी आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रीमियम हैचबैक जो बनाती है नेक्सा, उसमें थोड़ा सा प्रीमियमनेस जो मारुति की एरिना से थोड़ा सा प्रीमियम रहता है। तो यहाँ पे आपको ये जो है थोड़ा सा ब्लू, नेवी ब्लू में, डार्क ब्लू में देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको ब्लैक फाइबर देखने को मिलेगा, और यहाँ ग्लोसी ग्रे कलर में देखने को मिल जाती है। तो 3 कलर टोन आपको मेनली देखने को मिलेंगे। और इधर और इस साइड आप देखोगे तो ये आपको डोर पैनल्स जो है वो ऐसा ब्लैक फाइबर में यूज मिलेगा, और यहाँ पे आपको लेदर टच ना देखकर सिंपल जो है फैब्रिक का यूज देखने को मिलेगी। यहाँ आपको पावर विंडो के, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये ORVM के कंट्रोल्स, और ये साइड आपको डोर लीवर दिया गया है जो सिंपल ब्लैक फाइबर में देखने को मिलेगा। ये सब भी हार्ड फाइबर का यूज में लिया गया है। बाकी आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको जो वो लेदर का टच देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको थोड़ी सी लेदर जो है टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। तो इसमें तो सेकंड वेज वेरिएंट है, तो इसमें आपको लेदर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं हम इधर देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, तो जो ऐसी ऐसी बोतल 1 लीटर की आराम से ले लेती है। बाकी यहाँ आपको स्पीकर प्लेस किया हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये जो गाड़ी की बात करें अगर ग्लेंजा से, ग्लेंजा में भी सेम थिंग आपको मिलेगी, बस आपको जो इंटीरियर का कलर टोन है वो थोड़ा सा उसमें व्हाइटिश कलर का जो है वो क्रीम कलर का देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको जो वो ऐसे कलर की देखने को नहीं मिलती। और सिंपल जो है स्टेयरिंग की अब हम बात करें, तो स्टेयरिंग आपको यहाँ मारुति की बलिनों में ऐसी मिलती है सिंपल। यहाँ पे आपको जो है वो मारुति का लोगो मिल जाएगा। इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा मोड्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको कुछ टेलीफोनिक कंट्रोल्स, इस साइड आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इस साइड दिए गए हैं हेडलाइट्स यूनिट्स के कंट्रोल्स। बाकी आपको ऐसी कुछ इंटीरियर जो देखने को मिल जाती है, इस साइड आपको दिया टिकट होल्डर, यहाँ पे आपको मिल जाएगी कैबिन लैंप जो हैलोजन में है, इस साइड भी आपको टिकट होल्डर वैनिटी मिरर के साथ देखने को मिल जाता है। ये हमारी मैनुअल डे एंड नाइट IRVM एडजस्टेबल है। बाकी ORVM को एडजस्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, वो जो बेस वेरिएंट में अभी देखने को मिल जाती है बहुत से गाड़ियों में कि नोब वो भी नहीं मिलते, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इधर हम देख लेते तो इसमें आपको 7 इंचेस के टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, और टॉप वेरिएंट में जाओगे तो आपको 9 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी जो ज्यादा बड़ी रहती है इससे। बाकी यहाँ पे आपको ये जो है ना ये फाइबर में थोड़ा सा जो है वो लुक को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम कर देता है। बाकी आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाओगे तो 9 इंचेस की जो भरी भरी दिखेगी वो अच्छी लगती है, पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ एसी वेंट्स के डिजाइन ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे हजार्ड के बटन्स मिल जाते हैं। बाकी एसी वेंट्स जो अभी मारुति की हर गाड़ियों में आपको ये वाली एसी का पैनल्स देखने को मिल जाता है, तो थोड़ी कहीं ना कहीं ये प्रीमियम जो है पहले के कंपैरिजन में जो पहले आती थी उससे ज्यादा प्रीमियम जो है वो टच फील देता है। बाकी आपको अप डाउन यहाँ से जो टच क्वालिटी है इसकी काफी अच्छी है। नीचे हम देख लेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे फोन वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये हमारी जो मैनुअल गाड़ी है तो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, एक ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी इधर आप देख लो तो यहाँ आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया, और इस साइड कुछ छोटा सा फोन वोन रखने का स्पेस यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इतनी कुछ जो है वो मिल जाती है, और इधर पावर सॉकेट मिल जाता है और Type A चार्जिंग सॉकेट यहाँ देखने को मिल जाती है। तो फोन वोन रखने का, चार्ज करने का स्पेस जो है टोटली बस एक ही दिया गया है, जो यहाँ पे आपको फोन चार्ज करने का स्पेस सिर्फ एक ही मिलेगा। बाकी इधर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो काफी बड़ा साइज का है, सिंपल ग्लव बॉक्स मिलेगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ भी कोई ग्लव बॉक्स नहीं, सिंपल नीचे एक ग्लव बॉक्स है। बाकी उस साइड के डोर पैनल्स की बात करें तो ऐसे ब्लू टोन में आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ भी आपको सिंथेटिक का यूज लिया गया है सॉफ्ट टच में। यहाँ पावर विंडो को कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, तो उतनी कुछ है नहीं। तो ऊपर आपको ऐसे कलर टोन में मिल जाता है इधर ग्रैब हैंडल्स,
और इस साइड ग्रैब हैंडल्स ना देख के पीछे आपको दो ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। अब सीट की बात करें तो सीट आपको काफी कंफर्टेबल मिल जाता है, इसमें अच्छी थाई सपोर्ट देखने को मिल जाती है और लंबर सपोर्ट भी अच्छा खासा है। सीट बेल्ट की बात करें तो सीट बेल्ट भी आपको हाइट एडजस्टेबल इसमें देखने को नहीं मिलते, तो टॉप वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी में दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, हेडरेस्ट आपको फ्रंट के दो ही सीट में जो एडजस्टेबल मिलेंगे, पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करें आपको इसके टॉप के टॉप वेरिएंट में क्या क्या जो प्रेजेंट है वो इसमें नहीं है, तो सबसे पहले ये हो गया कि 360 कैमरा जो है वो आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। दूसरी जो है हेडसअप डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाएगी जो उसमें मिलेगी, और तीसरी जो है इसमें दो एयरबैग मिलते हैं जो कि टॉप वेरिएंट में इससे ज्यादा एयरबैग आपको मिल जाती है। बाकी ABS EBD वो जो नॉर्मल से सेफ्टी फीचर्स है वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो होगी गाड़ी की फ्रंट केबिन। अब हम सेकेंड रो में जाके जो रेयर सीट की है वो हम देख लेंगे कि क्या आपको कितनी कम्फर्टनेस जो है मिलती है। बाकी इधर आपको आइडियल स्टॉप स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है और यहाँ जो है हेडलाइट्स के बीम लेवलर मिल जाते हैं। सबसे और जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं कीज के बारे में। तो कीज जो है वहां आपको ऐसी कुछ कीज मिलती है नेक्सा की ब्रांडिंग के साथ, यहाँ आपको मिल जाएगा ये वाला की जो अभी नेक्सा सारी में रिंग में देती है वही है। आपको ऐसे ऐसे दो कीज मिल जाते हैं जिसमें आपको एक ये वाली बटन मिल जाती है कि लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, और जो अगर आपको वो प्रीमियम वाला थोड़ा सा कीज चाहिए तो उसके लिए आपको टॉप वेरिएंट की तरफ मूव करना होगा। बाकी ये सब बेस वेरिएंट में आपको ऐसी वाली कीज देखने को मिल जाती है। बेस वेरिएंट में आपको जो है वो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। बाकी ये सेकंड बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको इंफोटेनमेंट्स मिल जाते हैं, सिर्फ कैमरा नहीं मिलेगा आपको। बाकी चार स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो जिसकी साउंड क्वालिटी उतनी डिसेंट है, मारुति की जैसी रहती है वैसे ही है। ये तो होगी इसकी कीज के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। तो यहाँ आपको ऐसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाती है। इस साइड आपको मिल जाते हैं RPM मीटर, इस साइड आपको देखने को मिल जाती है स्पीडोमीटर। बंद कर लेते हैं। बात करते हैं मारुति की गाड़ियों में एवरेज बहुत ज्यादा होता है, मतलब अच्छी खासी एवरेज मिलती है, इंजन परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो वो तो एवरेज मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने है ये गाड़ी की एवरेज 20.7 KMPL की एवरेज जो है गाड़ी अभी दिखा रही है। तो इतनी 17, 18, 19, 20 इतनी तो दे ही देती है आराम से गाड़ी, आपको माइलेज एवरेज दे देती है। बाकी आपको जितना भी जो इसको कंट्रोल्स करने के लिए यहाँ पे कोई बटन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको वो सारे बटन यहाँ देखने को मिल जाते हैं जिसको प्रेस करके आप आराम से रेंज वगैरह सब देख सकते हो। ये तो होगी इसकी मीटर के बारे में। तो ऐसी कुछ जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों का सपोर्टेड मिल जाता है। बाकी यहाँ आप रेंज वेंज वगैरह एवरेज वगैरह यहाँ से आराम से देख सकते हो। यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 20.7 KMPL की जो एवरेज अभी गाड़ी अभी दे रही है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये हो गई आपको। और एक और जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको जो क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है, इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल्स भी आपको फीचर्स के नाम पे टॉप वेरिएंट पे देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रो। अब हम चलते हैं सेकेंड रो के बारे में। ये डोर की सेकंड पैनल जो है वो आपको ऐसे देखने को मिल जाती है, नेवी ब्लू कलर में आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। ये जो पूरा है पूरा जो ब्लैक फाइबर में यूज लिया गया, जो हार्ड फाइबर है यहाँ वो यूज में लिया गया। यहाँ आपको स्पीकर की प्लेसिंग दिख जाएगी और यहाँ पे आपको सिंपल बोतल होल्डर जो 1 लीटर तक की कैपेसिटी ले लेता है। इधर आपको ये भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है, यहाँ जो मारुति गाड़ियों में अक्सर देखने को मिल जाता है वो आपको ब्लैक फाइबर में देखने को मिल जाते हैं। ये हो गई गाड़ी की इंटीरियर। जो सेकेंड रो में अंदर बैठ के बात कर ले तो अंदर में जो है वो आपको ना ही यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे और ना ही बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। आर्मरेस्ट जो है वो इसके टॉवन वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं और पार्सल ट्रे भी आपको पीछे लगी हुई देखने को मिल जाती है। बाकी हम ब्रॉडनेस की बात करें तो अच्छी खासी ब्रॉड सीट है आपको। थर्ड पर्सन को बैठाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, एडजस्ट करना पड़ेगा,
बट जो सेकेंड पर 2 पर्सन के लिए आराम से एकदम जो है वो आराम से आप 2 पर्सन आराम से जा सकते हो कहीं भी। बाकी आपकी जो सीट कवर है वो आपको सिंपल ऐसी सिंथेटिक जो है वो उसमें आपको मिलेगी। बाकी आप ऊपर से लेदर का कवरिंग करा सकते हो कंपनी तरफ से या एजेंसी वेजेंसी से करा सकते हो, या तो आफ्टर मार्केट भी सीट पे कवर लगवा सकते हो। वैसे तो सीट कवर की जो बेस्ट क्वालिटी रहती है वो शोरूम की तरफ से ही आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो है सीट कवर रहती है शोरूम की तरफ से। बाकी आपको पीछे के लिए रेयर एसी वेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे और सिंपल सा बस यहाँ जो है वो पावर चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। तो ये तो हमारी गाड़ी है 3 से 4 महीने पुरानी है। वैसे कुछ उसमें आपको ये जो मैट वेट वगैरह देखने को मिल जाता है ये सब मैट आपको कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको मैट है लेना है तो वो भी एसेसरीज के तौर से आपको जो ब्लैक मैट देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये तो होगी सेकेंड रो। सेकेंड रो में आपको ऐसे कुछ जो है फोन रखने का स्पेस वगैरह मिल जाता है। तो ये होगी सेकेंड रो की बात। अब हम चलेंगे बूट कैपेसिटी वगैरह को भी चेकआउट कर लेंगे क्या आपको बूट कैपेसिटी कितनी मिलती है। वैसे तो हैचबैक में जो लिमिटेड जितनी रहती है उतनी बूट कैपेसिटी आपको मिलेगी। बाकी हम चलते हैं। ये हो गई इसकी बूट कैपेसिटी। इसमें टोटल आपको 317 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। बाकी स्पेयर व्हील्स की बात करें तो स्पेयर व्हील भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, जिसकी टायर प्रोफाइल है सेम टायर आपको मिलेंगे अपोलो के टायर्स। इसके टायर सेक्शन है 185/65 R15 के अलग व्हील्स मिलते हैं जो सेम साइज है वही आपको देखने को मिल जाता है। बाकी हुक वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं और कोई भी जो है बूट लैंप आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। तो इतनी कुछ जो है वो आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। अब पार्सल ट्रे जो है वो गेट के साथ ऊपर चली जाती है। इधर हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक ही बटन मिलेगा बूट ओपनर बटन। बाकी यहाँ ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। इतनी कुछ हो गई इसकी बूट कैपेसिटी। तो हम बंद कर देते हैं। हाँ, अगर आपको इसमें इस कलर ऑप्शन जानना है तो 6 कलर ऑप्शन जो है इस गाड़ी में वेरियंट में अवेलेबल हो जाते हैं। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो यहाँ से आपको बोनट भी खोलने का हुक मिल जाता है। बाकी आप बोनट खोल लो। टोटल इसमें एक ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं मारुति की बलेनो में, जो 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलती है। ये हो गई मारुति की 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 90 PS की पावर जनरेट करती है और 113 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाकी आप एक और चीज जो पहले बलेनो में नहीं मिलती थी वो इंजन गार्ड कवर जो नीचे आपको देखने को नहीं मिलती थी, अभी आपको इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है और ऐसी कुछ जो है इंजन की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। 4 सिलेंडर इंजन है, काफी स्मूथ इंजन है। बाकी आप एक बार i20 को भी ड्राइव करके देख लो, उसमें तो कुछ अलग सी फील आती है। बाकी आप इधर आपको ऐसी कुछ इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। स्मूथनेस तो बहुत ही ज्यादा है, स्मूथ गाड़ी। तो ये हो गई इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। माइलेज वगैरह अच्छी खासी निकाल के दे देती है। वैसे तो कंपनी क्लेम करती है इसमें लगभग 22 KMPL की माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है। बाकी आपको जो है ऑटोमेटिक में 1 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जाना है तो सेकेंड वेरियंट जो ये हमारी डेल्टा वेरियंट से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन जो अवेलेबल हो जाता है 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ, जो हमारी ये मैनुअल घड़ी है। तो ऐसी कुछ तो हो गई इसकी जो लुक है वो ओवरऑल अच्छी है, मतलब प्रीमियमनेस जो है गाड़ी में बाहर से भी झलकता है। अब एक्स शोरूम की प्राइस की बात कर ले तो 7,33,000 की इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। वैसे तो 7 लाख के अंदर आपको टॉप वेरिएंट वैगनार में भी देखने को मिल जाता है। तो वैगनार में आपको कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी ज्यादा जो माइलेज है सेम इंजन के साथ देखने को मिल जाता है। इंजन जो स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ले उसमें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको माइलेज ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये होगी गाड़ी की वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।